आपने भी कभी ना कभी सीआईडी ऑफिसर के बारे में सुना ही होगा और आपके मन में यह सवाल आया होगा कि सीआईडी ऑफिसर कैसे बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास और अलग होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीआईडी ऑफिसर कैसे बनते हैं, इसके संबंध में पूरी जानकारी, जैसे कि इसके लिए योग्यता क्या मांगी जाती है, सब्जेक्ट का चुनाव, कौन सी डिग्री मांगी जाती है, एज लिमिट क्या होती है और साथ ही साथ हम बताएंगे इसके एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि सीआईडी का पूरा नाम क्या होता है। सीआईडी का फुल फॉर्म क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। सीआईडी पुलिस बलों का ही एक रूप है जो अधिक संवेदनशील अपराधों की जाँच करता है, जैसे रेप, मर्डर, डकैती आदि। सीआईडी पुलिस संगठन का सबसे महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है जो भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वर्तमान समय में कई युवा हैं जो सीआईडी अधिकारी बनना चाहते हैं, मगर वे नहीं जानते कि सीआईडी ऑफिसर कैसे बना जाता है और सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए कौन से कोर्स होता है। सीआईडी से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, सीआईडी ऑफिसर का चयन होने से पहले उसे कुछ परीक्षाएं पास करनी होती है, जैसे लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और साक्षात्कार आदि। लिखित परीक्षा पास होने के बाद उम्मीदवार का शारीरिक परीक्षण होता है, उसके बाद साक्षात्कार किया जाता है। साक्षात्कार में पास होने के बाद आप एक सीआईडी ऑफिसर बनते हैं। सीआईडी ऑफिसर कैसे बनते हैं, यह जानने से पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि सीआईडी ऑफिसर कौन बन सकता है, यानी कि सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला है, सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। दूसरा, सीआईडी में अच्छी पोस्ट प्राप्त करने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है तथा उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा, सीआईडी ऑफिसर के लिए किसी और पोस्ट पर जॉब करने के लिए पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। चौथा, सामान्य वर्ग के लिए सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आयु सीमा 20 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होती है और वह 4 बार तक परीक्षा में अटेम्प्ट कर सकता है। पांचवा, ओबीसी वर्ग के छात्रों को 3 वर्ष की छूट दी जाती है, अतः उनकी आयु सीमा 20 से 30 वर्ष है और यह 7 बार तक परीक्षा अटेम्प्ट कर सकते हैं। छठवा, एससी और एसटी वर्ग के छात्रों को 5 वर्ष की छूट मिलती है, अतः उनकी आयु सीमा 20 वर्ष से 32 वर्ष है और इन्हें परीक्षा के लिए कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं होती है। अब जानते हैं सीआईडी ऑफिसर के लिए शारीरिक योग्यता के बारे में। दोस्तों, सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आप में कुछ शारीरिक योग्यताओं का होना बेहद ही जरूरी है और यह शारीरिक योग्यताएं कुछ इस प्रकार है। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए पुरुषों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 5.2 फीट और महिलाओं के लिए ऊंचाई 150 सेंटीमीटर मतलब लगभग 5 फीट होनी चाहिए। आपकी छाती कम से कम 76 सेंटीमीटर फूलकर होनी चाहिए। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपकी नेत्र दृष्टि डिस्टेंस विजन 6/6 एक में और दूसरी में 6/9 होनी चाहिए। पास की दृष्टि एक आंख में 0.6 और अन्य आंख में 0.8 होनी चाहिए। तो यह थी कुछ जरूरी शारीरिक योग्यताएं। अब हम आपको सीआईडी ऑफिसर कैसे बने इसके बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यूपीएससी सीआईडी में शामिल होने के लिए परीक्षा आयोजित करता है। यह सभी रैंक के लिए परीक्षा आयोजित करती है। उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के तहत सीआईडी ज्वाइन कर सकता है। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपके पास तेज दिमाग होना चाहिए, साथ ही मजबूत शरीर और किसी भी काम को सुलझाने की समझ होनी चाहिए। चलिए जानते हैं सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन कौन से चरण पास करने होंगे। स्टेप नंबर 1, 10वीं कक्षा पास करें। यदि आप 10वीं कक्षा में हैं और आप सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 10वीं कक्षा पास करना होगा, अतः अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें और 10वीं कक्षा सफल करें। स्टेप नंबर 2, अब आप 12वीं कक्षा पास करें। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपका 12वीं कक्षा पास करना बहुत ही आवश्यक है। आप बिना 12वीं पास किए एक सीआईडी ऑफिसर नहीं बन सकते। आप किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं कक्षा पास कर सकते हैं, जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इत्यादि। चलिए अब जानते हैं 12वीं के बाद क्या करें। स्टेप नंबर 3, अब आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी करें। 12वीं कक्षा पास करने के बाद आपका अगला पड़ाव आता है कि आप ग्रेजुएशन पूरी करें। आप बिना ग्रेजुएट करे एक सीआईडी ऑफिसर नहीं बन सकते। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव करें और उसमें अपनी ग्रेजुएशन पूरी करें। स्टेप नंबर 4, यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करें। दोस्तों, ग्रेजुएशन के बाद आपका अगला पड़ाव है कि आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करें।
सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी परीक्षा देनी होगी। आप अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, अब लिखित परीक्षा क्लियर करें। सीआईडी ऑफिसर के लिए यूपीएससी सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित करता है। इसमें मुख्य रूप से 2 पेपर होते हैं। इस परीक्षा का स्तर बहुत ही ऊंचा होता है और इसे फेस करने के लिए आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। यदि आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो आप अपनी मंजिल के बहुत ही करीब होंगे। स्टेप नंबर 6, अब आप फिजिकल टेस्ट क्लियर करें। लिखित परीक्षा क्रैक करने के बाद आपका अगला पड़ाव आता है फिजिकल टेस्ट क्लियर करने का। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा के लिए आपको एक निर्धारित दिन बुलाया जाता है, जिसमें आपकी लंबाई, छाती आदि मापा जाता है। स्टेप नंबर 7, अब इंटरव्यू राउंड क्लियर करें। यह आपके सीआईडी ऑफिसर बनने का अंतिम पड़ाव होता है। लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपसे रीजनिंग, जीके आदि से जुड़ी सवाल पूछे जाएंगे और यह पड़ाव आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप एक सीआईडी ऑफिसर बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी सीआईडी ऑफिसर कैसे बने इसकी पूरी जानकारी, सीआईडी ऑफिसर एग्जाम के बारे में डिटेल्स की तैयारी के लिए सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण जानकारियां कौन कौन सी है। दोस्तों, सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी परीक्षा यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। इस परीक्षा का स्तर बहुत ही ऊंचा होता है। चलिए हम आपको बताते हैं सीआईडी एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, जिसे ध्यान में रखते हुए यदि आप परीक्षा की तैयारी में जुट जाएंगे तो आपके लिए सीआईडी ऑफिसर बनना आसान हो जाएगा। सबसे पहले सीआईडी ऑफिसर एग्जाम पैटर्न। सीआईडी ऑफिसर चयन प्रक्रिया के लिए 3 चरण होते हैं, जिसमें यूपीएससी सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित करता है, जो 2 भागों में ली जाती है। टीयर 1, यह 200 अंकों का प्रश्न पत्र होता है और इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। अगर आपका एक भी जवाब गलत होता है तो एक गलत जवाब के लिए 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। टीयर 2, यह पेपर 400 अंकों का होता है। इसके लिए आपको 4 घंटे का समय दिया जाता है। यदि आपका कोई जवाब गलत होता है तो हर एक गलत जवाब के लिए 0.50 अंक काट लिए जाते हैं। टीयर 3, यह दोनों परीक्षा पास करने के बाद साक्षात्कार होता है, जो 100 अंकों का होता है। इसे पास कर लेने के बाद आप एक अच्छे सीआईडी अधिकारी बन सकते हैं। तो यह थी सीआईडी ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न। अब जानते हैं सीआईडी एग्जाम के सिलेबस के बारे में। टीयर 1 के सिलेबस में है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। टीयर 2 के सिलेबस में है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों, अब सीआईडी ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो सीआईडी ऑफिसर की सैलरी अनुभव के हिसाब से निर्धारित होती है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है, वैसे ही वेतन में भी बढ़ोतरी होती जाती है। एक सीआईडी ऑफिसर की लगभग सैलरी 90,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक हो सकती है। साथ ही सैलरी के अतिरिक्त उन्हें विभिन्न भत्ते भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अनोखी और बेहद ही उपयोगी लगी हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस जानकारी से अवगत हो सके। धन्यवाद।